अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी हो सारा मतलब बहुत सारा लोगों में खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आज मैं खड़ी हुई हूँ ईट फूड फेस्टिवल पे, और जो कि हो रहा है बीच व्यू पार्क क्लिफ्टन पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जबरदस्त स्टॉल्स की भरमार है यहाँ पे। सोचते रहेंगे हम कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ये 6, 7 और 8 ऑफ जनवरी को ये हो रहा है, आज 6th है, कल 2 दिन और मजे आपके पास बाकी। अच्छा, टिकट का मैं बता दूं, ऑनलाइन इन्होंने बुकिंग करवाई है, उनको आके लाइन में लगना पड़ेगा और फिजिकल टिकट लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो इधर आके टिकट लेते उनको भी यहाँ पे टिकट मिल रहे हैं, ये बात हमें यहीं आके पता चली। तो अभी फिलहाल मैं खड़ी हुई हूँ खान हलीम पे। क्या ट्रैक किया मुझे इनके मटके ट्रैक किए, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से मटके इनके पास। तो सर मुझे ये बताएं कि आप मटके में हलीम सर्व करते हैं? अच्छा, तो और कोयले में पकड़ी आपके हलीम तो बड़ी सोंधी होती होगी। अच्छा, अपने आउटलेट के हिसाब से आपका कहीं कहाँ ऑनलाइन काम करते हैं? अपने किचन में होम बेस्ड, जबरदस्त। कैसा रिव्यू लोगों का आपको? रिव्यू बहुत अच्छा है, अच्छा आता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं फूड पांडा के थ्रू? बिल्कुल, फूड पांडा नहीं, हम ऑनलाइन भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से पेज के थ्रू। आपका क्या पेज किस नाम से है? खान हलीम के नाम से। अच्छा, ये जो प्राइस है यहाँ के लिए या ये यही प्राइस है? बेसिकली तो यहाँ के ठीक है, वहाँ पे जो ऑर्डर होते हैं वो फिर डिफरेंट उसमें चलता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो सर ने अपनी डिटेल्स बता दी, आप लोग नोट करके आगे जाते हैं। तो इस वक्त आप लोग रश देख सकते हैं, देखें इनका ये होता रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है, कैमरे के सामने से कभी भी कोई भी आ जा सकता है। जैसे कि अब ये जाएंगी और ये निकल चुकी है और ये झुक चुकी है, और जहाँ भी कोई जाएगा यहाँ से कोई आएगा। तो फर्दर आप लोगों को और मजीद स्टॉल हमें दिखाने, हम आपको दिखाते हैं आगे हमारे साथ आ जाइए। तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि मेरे पीछे यंग्स का स्टॉल है। तो यंग्स जो है स्टॉल क्या, इसको मैं छोटी सी शॉप ही कहूंगी। देखें इनके पास जबरदस्त डेरी लाइफ के नाम से, डेरी लाइफ यंग्स वालों का है? अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। व्हिपिंग क्रीम भी है इनके पास, इनकी अच्छा व्हिपिंग क्रीम भी है। ओके, तो इधर आप लोग शेक्स वगैरह बना रहे हैं, और फास्ट फूड की भी वैरायटी है यहाँ पे आपके पास? ठीक है, अच्छा हाँ, ये दिखा देते। तो भाई तो आप लोगों को यहाँ यंग्स के स्टॉल पे आएंगे तो ये वैरायटी मिलेगी, चेक करें आप लोग। ये तीखे से मीठा तक, फ्राइड से नमकीन भी मिलेगा। ठीक है जी, तो अभी फर्दर आप लोगों को आगे दिखाते हैं। खाना पीना हम करेंगे, थोड़ा रुक कर पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो कवर कर लें। आइए, जैसे यहाँ जगह जगह बहुत सारे स्टॉल्स हैं, यूनुस डेल मोंटे का भी स्टॉल है वहाँ पे, ठीक है, और हमारे सामने बेक पार्लर का स्टॉल है। इस तरफ सीधे हाथ की तरफ हमें बेक पार्लर नजर आ रहा है। ठीक है, मजीद आगे जाएंगे तो आगे मजीद बहुत सारे स्टॉल्स आ रहे हैं। आगे आप लोग पीछे पीछे आते रहे, बस चलना है आज आप लोगों ने, चलते रहना हमारे साथ। आगे सावन अप का भी है, वो देखे शेक एंड बेक भी है। फॉर द लव ऑफ पास्ता, ये देखें क्योंकि हम बेक पार्लर में खड़े हुए हैं तो इनका तो ये टैगलाइन है ना, फॉर द लव ऑफ पास्ता। मजा आ रहा है, अभी कौन सा भी हो रहा है, जबरदस्त आने वाले। हाय, दिखाओ जी। तो इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ एक जबरदस्त स्टॉल में जो कि होम बेस्ड काम करते हैं, इनका नाम है ट्रेडिशनल दरबार के नाम से इनका। आपका पेज भी होगा? जी बिल्कुल। ठीक है, ऑनलाइन काम करते, कैसा है लोगों का फीडबैक वगैरह? फ्रैंकली स्पीकिंग चल रहा है, चीजें चल रही है। कब स्टार्ट किया? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अगो, माय वाइफ कोबा, इसने फैशन का बिल्कुल, तो एक हमने सपोर्ट किया है। तो लेट्स सी किस तरह रिस्पांस आता है। यहां पे आने का मकसद देखा कि फुटबॉल अफार अच्छा मिल जाता है। हां बिल्कुल, इससे पता है रेफरेंसेस भी बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं। सही बात है, आपकी चीज जब पसंद आती है लोगों को तो बहुत अच्छा होता है। स्पेशलिटी क्या है आपकी? दो आइटम, एक हमारी ट्रेडिशनल है ओखाई दाल चावल। ओखाई दाल चावल, क्या फर्क होता है इसमें? जो नॉर्मल आप जो खाते हैं दाल चावल बिल्कुल ब्लेंड से होते हैं, टेस्ट में होता है, आपको स्पाइसी फ्लेवर मिलता है, रेड चटनी। ओके, दाल खट्टी भी डालते हैं, दाल खट्टी होती है। तो आप बेसिकली आप लोगों का कास्ट पेमेंट कम्युनिटी से, तभी खट्टी होती है वो, रेड चटनी के साथ जबरदस्त हो गया। और ये क्या है? इट्स कॉल्ड अरीका, बेसिकली एक अरबिक डिश है जो अभी पाकिस्तान में कहीं पे लॉन्च नहीं हुई। मैंने नाम सुना हुआ है, बिल्कुल अरब कंट्री, बिल्कुल अरबिक में वहाँ पे डेजर्ट भी यूज होता है, ब्रेकफास्ट आइटम भी यूज होता है। क्या मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ? इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी है? ठीक है, बेसिकली क्रीम है, कैशू नट्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, और बाकी हमारी एक ये 500 का बॉक्स, 250 ग्राम्स। ये लोडेड है बहुत, 250 ग्राम्स है, 500 का बॉक्स है। दिस आर 500 पर बॉक्स एंड गुजराती लेटर 150 एंड दाल चावल इज 150।
कैसा लगा आपको टेस्ट? इस 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 अरबी डिश डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन होता है आपने डेट से कौन से नट से रोटी इसमें रोटी भी है रोटी को तोड़ के मशीन से रोटी को ब्लेंड किया मतलब ये बहुत ज्यादा मेहनत का भी काम लग रहा है मुझे लेकिन फ्लेवर सच में बहुत मजे का है ये ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं बच्चों के लिए बहुत आइडियल है यार इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी है इसमें जो हाँ हेल्दी है बहुत ज्यादा इसमें रोटी भी है बीट भी आ जाता है कॉर्नफ्लेक्स भी आ जाते हैं डेट्स भी आ जाते हैं और ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी आ जाता है तो आई मस्ट से अपना पेज वगैरह का नाम बताएं इसी नाम से ट्रेडिशनल दबा के नाम से इसी नाम से आपका पेज तो सर आप लोगों ने इनको जरूरी जरूर 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 फॉलो करने क्योंकि बाकी में इनका अरीका अरीका हक नहीं है ये अरीका है इनको आपने जरूर ट्राई करना है बहुत मजे का है इनका ये बाकी में थैंक यू सो मच सर ये भी एक होम बेस्ड बिजनेस इनका नाम खासा हाउस के नाम से है खासा हाउस पेज भी आप लोगों का फेसबुक वगैरह पे इसी नाम से है क्या प्राइस है आपके चिकन खासा 450 है और सालसा कबाब है कोरियन चिकन है अच्छा ये तीन चार चीजें होती हैं आपके पास तो कैसा फीडबैक मिलता है लोगों से आपको बहुत अच्छा वैसे होम शेफ के सारे ही आइटम्स हम घर में बनाते हैं वो सब की सेल होते हैं सब सेल होते हैं जबरदस्त अच्छा स्पेशल आपका खासा है जबरदस्त खासा की मेकिंग हो रही है गुड हो गया अच्छा मैं प्रेफर कर रही हूँ जो होम बेस्ड है ना उन लोगों का कवर करने का तो क्योंकि ब्रांड को सब जानते हैं मैं बाय लुक दिखा दूंगी बट बात मैं ज्यादा उनसे करूंगी जो होम बेस्ड है तो आइए आगे चलते हैं ढूंढते हैं भैया लाहौर से आए आरिफ चटखारा हाउस जबरदस्त ये सब तवे वे लेकर आए आप लाहौर से वो गाड़ी खड़ी है ये देखो लाहौर में से आए इससे लाहौर से आए आप लोग जबरदस्त भाई तवा से आए लाहौर से आते हैं 22 घंटे का सफर तय करके आए कराची वालों को हिम्मत करने के लिए जबरदस्त और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आरिफ चटखारा तवा पीस नहीं कराची में नहीं कैसा रहा रिस्पांस कैसा है कराची वालों का शुक्रिया बहुत पसंद आ रहा है जबरदस्त हो गया अरे मिर्च तो चेक करें यार चेक करें मिर्च चेक करें आप चेक करें मिर्च चेक करें सर मैं ये यहाँ से टेस्ट कर लूँ और आपको टेस्ट कराते हैं सफर करें ये नहीं करें आपको प्लेट में टेस्ट कराते हैं दो मिनट छोटा सा वाइट खाया है विदाउट जो सॉस वॉस डाले वो मेरे भी मुंह में नहीं गई बट सर अभी हमें टेस्ट कराते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है इसका जायका असल में कैसा है लाहौर से यहाँ आने का आपको देख लें आज मुर्गी का रेट देख लें यहाँ भी कितने का दे रहे हैं आप लोग अच्छा पर प्लेट मेकिंग का तरीका देखो वो भाई वहाँ से मसाला उठा उठा के चिकन पे डाल रहे हैं मसाला उन्होंने ऊपर से डाला है इसके ऊपर भाई आज हम यहाँ पे कराची में लाहौर से ऑन द वे आए हुए आरिफ चटखारा हाउस का फ्लेवर टेस्ट करेंगे कि कैसा है आरिफ भाई का इंटरव्यू तो ले लो थोड़ा आरिफ भाई ने बताया लाहौर से आए भाई उस गाड़ी में तवे ये सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए आए हैं अच्छा मिल रहा है सर को कराची वालों से खुश है आप बिल्कुल खुश है इनके इतना प्यार है यहाँ इनके पीछे आ गया हूं। देखा हमने हमसे इतना प्यार है हमारे पीछे यहाँ आ गए तो भाई सर ने मुझे ये टेस्ट करने दिए हरी मिर्च चेक करें आप लोग गरम हो रही है मजे का है खट्टा खट्टा स्पाइसी स्पाइसी हरी मिर्च खा लूं क्या इसके साथ अरे भाई ये पानी ढूंढती फिरोगी तो कोई ख्याल हो भाई मिर्च ऐसा तो नहीं है खा ले हम आपकी जिम्मेदारी पे मजा आ गया इससे खाएं बहुत मजे का आगे देखें हरी मिर्च के साथ खाइएगा
खाए ना कुछ नहीं है ये देखिए ये होता रहेगा यहाँ से खाता आया टिशू ले गया यहाँ से बहुत सारे हाथ आएंगे और लोग भी आएंगे मजे का लग रहा है यही मैं कह रही जबरदस्त पास है लाहौर जाए तो आरिफ चटखाना हाउस पे जरूर जाए जबरदस्त हो गया चलो आगे चलते जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह नाम बताइएगा अपना सर राहिल नाम राहिल भाई इधर आप बाइक की ये जो थोड़ी सी डिटेल तो हमारे शेयर करें हमसे ये सर ये इलेक्ट्रिक बाइक है ये 2000 वॉट की मोटर्स है इसके अंदर और लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है इसके अंदर और उसके अलावा सर ये एक चार्ज के अंदर 80 किलोमीटर चलती है अच्छा और जो इसके चार्जर है वो तकरीबन 4 आवर में कंप्लीट ये चार्ज हो जाती है अच्छा चार घंटे में चार्ज भी हो जाती है 4 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाता है ऑटो चार्जर कोई अलग से एडाप्टर आता है कोई अलग से इसका नॉर्मल चार्जर है जैसा लैपटॉप का चार्जर होता है वैसा चार्जर घर की बिजली में लगाया चार्ज यार ये तो बहुत अच्छी है भाई ये इसका सॉकेट दिया हुआ है नीचे तो इसके प्राइस क्या निकाले ये इसका सॉकेट दिया हुआ है यहाँ से सर चार्ज हो जाती है इजीली अच्छा अच्छा ये घर में ही आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं कोई इशू नहीं और इसका ऑटो चार्जर है 4 आवर्स के बाद ये चार्जिंग इसका सॉकेट बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा तो इसके क्या चार्जेस निकालने हैं क्या पैसे 449 की है 449 की है और ये किस कंपनी की है ये बाइक वी इलेक्ट्रा की है सर वी इलेक्ट्रा ये कराची की है कराची में असेंबल हो रही है कराची पाकिस्तान में असेंबल ये देखिए भाई ये कराची वालों इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है वैसे तो बिजली महंगी है पेट्रोल कौन सा सस्ता है लेकिन ये बाइक चार्ज पे सर ये सिर्फ 2 यूनिट लेगी इससे ज्यादा यूनिट नहीं लेगी चार्ज पे 2 यूनिट लेगी और रेट भी मुनासिब है 449 किलोमीटर मतलब एक चार्ज पे ये 80 किलोमीटर चलेगी जी सर 80 किलोमीटर ठीक है भाई बहुत शुक्रिया थैंक यू सर कटोरी चटोरी है ना आपके ये आपका ही है आप दूसरा नाम है आपका मन पसंद है ना मैं कह रही हूँ मन पसंद है ये देखे भाई ये हमारे भाई खड़े हुए मन पसंद वाले आप कौन सी ब्रांच वाले हैं भाई हैदरी ब्रांच वाले हैं ठीक है ये मन पसंद का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर गोलगप्पे दही पूरी पानी पूरी घर के खाने बाय हनुमान जो ये देख रहे हैं ये देख ये इसके बराबर में ये हम मौजूद हैं कैफे हो जाते यार माइक दे यार ये तो जबरदस्त है आप क्यों भागी मटके में बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही है मटका लावा केक इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया जीरो वेस्ट करें लाइक प्लास्टिक नहीं यूज करें इको फ्रेंडली होना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने मटकों में बनाया एंड वी आर रिसाइकलिंग द मटकास मटकास कैन बी यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स वी कैन पेंट देम वी कैन रिसाइकल देम फॉर एनीथिंग यही वो मटके जी वी हैव दीस फॉर आवर लेमोनेड एंड दीस फॉर आवर मटका लावा ओके व्हाट इज फॉर द मटका लावा केक वुड यू लाइक टू हैव समथिंग कितना क्यूट मटका है अच्छा और ये स्कूल कहां ओ वाओ इसका सैंपल इज फाइन
मैंने नोटिस किया है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इनकी हमारे पास जो 6 सेल्स होते हैं या 7 सेल्स होते हैं देखो सो मच हम इसको करते हैं बिल्कुल वो ब्लॉक प्रिंट कर देना ना तो मैं भी नहीं कर सकती इतने परफेक्टली परफेक्ट करते हैं उनके लिए क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा वो लोग कहते हैं बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बारे में सुनकर वो जो है ना भाई स्पेशल बच्चों का स्कूल है उनका उस हवाले से उन लोगों ने बच्चों ने मिलकर कैसे बना रहे हैं वो बच्चे उसके अंदर ये लोग चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन्होंने लावा खाया स्पेशल बच्चे बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं उनके लिए मैंने कैसे लाहौर से आए हुए यार उधर भी आए हुए यहाँ भी आए हुए फेस्टिवल में खड़े हुए ईट फूड फेस्टिवल में बट ये है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है हर चीज़ कवर करना मुश्किल हो जाता है बट ये कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ ऑब्वियसली बात है आप लोग किसी फेस्टिवल में आ रहे हैं तो प्राइस आप लोगों को हो नहीं मिलता तो उनके आउटलेट्स पे होता है या इनके स्टोर्स पे होते हैं या इनके शॉप्स पे होते हैं तो डिफरेंस होता है यहाँ पर ऑब्वियसली बात है हाई होते हैं थोड़े कुछ लोग हैं जो अपने रेट टू रेट भी दे रहे हैं और ज़्यादातर है कि वो बढ़ा के दे रहे हैं तो फर्दर अभी और जितना हमसे कवर हो सकेगा हम कवर करेंगे आप लोगों के लिए मेरी कोशिश इतनी है कि होम बेस्ड को मैं ज़्यादा फोकस करूँ क्योंकि ब्रांड्स को तो सब जानते हैं चाहे रूम में होम बेस्ड प्रोग्राम जब से आए ये हालत हो चुकी है लोग नीचे बैठ गए मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल है लोग चल चल के थक गए नीचे बैठ गए फिर भाई ने इतने मजे से बच्चे ने बोला बैठ जा भाई पाव भाजी है फेरी बाइट्स हैं जाफरानी मिर्चा चाय है और बड़ा पाव भी है ना पूरा बॉम्बे वाला सीन चल रहा है वो देखो वो पाव भाजी बना रही है वो बना रही है तवे पर बन रही है पाव भाजी और यहाँ बन रही है मिर्चा चाय के लिए मिट्टी गर्म जहाँ जहाँ आप लोगों की नजरें जा रही हैं हर जगह पर सिर्फ स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं इतने स्टॉल्स ही कवर करना बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे इन्होंने भी बहुत प्यार से और मोहब्बत से एक स्टॉल लगाया है छोटा सा तो आप लोग प्लीज आइए इनको भी सपोर्ट करें जबरदस्त जी तो यहाँ हम टिकियानी नाम के
के जो स्टॉल था उसका इंटरव्यू कवर कर रहे थे, बट हमारा माइक जो है वो डेड हुआ हुआ था उस वक्त, हमें पता ही नहीं चला। इनकी सारी डिटेल्स और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री अपनी कचौरियाँ टेस्ट करवाई थी और वो बहुत मज़े की थी। तो इस वक्त मेरे हाथ में इनकी कचौरी नहीं, टिकोरी। वाई आर टिकोरी, टिकियानी नाम है उसको, ये टिकोरी बोल रहे हैं, मतलब कचौरी नहीं, नाम भी अलग है। लेट्स ट्राई। ओह, मतलब यहाँ पे भी स्टॉल पे रश बहुत है, फिर भी इतना गर्म है ना ये इस वक्त। धुएं नजर आ रहा होंगे आप लोग, चेक कर, धुआं चेक करें आप लोग। अब टेस्ट में भी देखते हैं, धुएं आ रहा है। आलू पूरी, मजे का है। खाएंगे यूनुस? नहीं, ओके यूनुस खाएंगे। देखा चांद नवाब वाले सीन चल रहा है हमारे साथ, मैंने सही मिसाल दी, बिल्कुल चांद नवाब वाले सीन है आज। यहाँ से कोई निकल के जा रहा कैमरे के आगे से, वहां से कोई। आप टेस्ट करके देखें, बहुत मजे। डिलाइट, एच एन एच डिलाइट, हम मीठे मीठे स्टोर पे खड़े हुए हैं इस वक्त। तो इनका जो स्टॉल है एच एन एच डिलाइट के नाम से, हाँ, तो आप मुझे बताएं कि एच एन एच, एक एच आप है, एक मेरे बाबा है, एक आपके बाबा, because he is the main investor in my business and he, my parents are very supportive, alhamdulillah, and I am here because of them. If they wouldn't have supported me, I wouldn't have been here. And yeah, this is it. I started my journey 2 years back during COVID, and I discovered this hidden talent inside me. And then I just started baking. Yes, and here I am. Hidden talent hi hai, kuch classes wagaira. No. I'm all self-taught. I haven't learned anything. Maine abhi tak koi classes nahi liye. Eventually, I do plan on taking classes so that I can open up on a bigger scale, inshallah. Inshallah. Abhi home-based hai, just only home-based. Yeah, it's home-based. We have cheesecakes, customized cakes, cupcakes, brownies, cookies, and literally everything that you want. Okay. And yeah. आप order पे भी काम करते हैं? Yeah, we do take orders. Order अगर हमें place करना है तो how much time required? Max 2 to 3 days because I'm a student, so I need to prepare myself कि भाई मुझे पढ़ना भी है, मुझे अपने orders को भी देखना है. So I take at least 2 to 3 Fridays and then yeah. सबसे अच्छी speciality क्या है आपकी इसमें? My brownies are everyone's favorite and I think my cakes. So I don't deliver, by the way, it's all pickup or you can send a rider because deliveries are a big no. Okay. And yeah, I'm based in DHA phase 5, so you can always just text me on WhatsApp. I have my WhatsApp number given here, my Instagram page or my Facebook page. Okay, you have all the details. Yeah. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपके साथ हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, मजीद अल्लाह को कामयाब। फर्स्ट ईयर है आपका यहाँ पर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह आप यही आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखिए भाई, हमारे लिए भाई इस वक्त हम हबीब के स्टॉल पर है, इस वक्त हम हबीब के स्टॉल पर है और हबीब की चाय पियेंगे आज। वाह 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 वाह, हबीब की चाय, और ये चाय बन रही है। मैं माहिगीर पे आ गई, माहिगीर मछलियाँ पकड़नी नहीं है, ये मछलियाँ खिला रही हैं और ये जो है प्रॉन्स भी खिला रही हैं और फिश भी खिला रही हैं। अच्छा, अभी मैंने इनसे पूछा ना थोड़ा सा, मैंने कहा आप होम बेस्ड हैं, बट इन्होंने मुझे बताया कि इनकी पहली कोशिश है आज, इनका फर्स्ट ट्राई है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, तो बात करते हैं इनसे। ये मैडम देखें फिश फ्राई कर रही हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वाला भी दिखाएं, ये देखें, जबरदस्त। अच्छा मसाले लगाओ। ये कौन सी फिश है? ये मुश्का फिश है। मुश्का है, आप यहीं से हैं, कराची से? जी, कराची प्राइम से। जबरदस्त।
अभी आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हैं इनका? सुना हुआ है। ओके अच्छा, आपने अभी इनका नाम सुना हुआ, आपने ऐसा बताया क्योंकि फिशरमैन फूड का मैंने नाम सुना है कि अच्छा खाना ये बनाते हैं। अच्छा मतलब सी फूड, सी फूड सही। अभी भी आपने ये ट्राई पहली बार कर, बट उम्मीद होप ज्यादा है, अच्छी है भाई। लोग नंबर ले रहे हैं आंटी का यार, लोगों की लाइन लग गई। आंटी ने फर्स्ट ट्राई किया है आज भाई, बहुत होप है आंटी को और आंटी को प्लीज सपोर्ट करना है। तो आंटी अपना नंबर दीजिएगा, बताएं नंबर, अभी बताएं। मेरा नंबर है 0335-3768-462-462। जिन्होंने ऑर्डर करना है आंटी से कांटेक्ट कीजिए, आंटी का पूछिए शेड्यूल, जो भी उनका शेड्यूल, क्योंकि फर्स्ट ट्राई है, थोड़ा सा इनको बताने में आपको डिस्कस करेंगे कुछ से तो ज्यादा अच्छी डिटेल्स मिलेंगी आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस वक्त हम खड़े हुए हैं एडिबल आर्ट के एक स्टॉल पे और सामान देखें आप, मतलब क्यूटनेस इतनी है कि कितनी क्यूट क्यूट चीजें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हां क्या नाम है आपका? सबा मसूद। आप ऑनर हैं इसकी? जी। ये आप सब खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूं। ये आपको शौक है? बहुत। और कोर्स वगैरह क्या? गॉड गिफ्टेड। ये गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, वैसे मैंने कोर्सेज भी, मतलब गॉड गिफ्टेड को आपने और ज्यादा मांझने के लिए कोर्स कर लिए, ठीक है। हाँ। अच्छा तो आपका ऑनलाइन सिस्टम है, आप डिलीवरी करती हैं, ऑन ऑर्डर काम करती हैं, थोड़ा सा डिटेल डिस्क्राइब कीजिए। हाँ मेरा ये है कि मैं ज्यादातर जैसे शादियों के मंगनी वगैरह इनके सबके फेवर्स वगैरह जो होते हैं वो पैकिंग करके करके देती हूँ। बर्थ अनाउंसमेंट के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल और चॉकलेट सारे कस्टमाइज्ड होती हैं आपके पास, ठीक है। और अगर कोई रिक्वायर्ड करे कि हमें इस तरीके की स्कीम में चॉकलेट चाहिए, सब आप कर देते हैं, सब कर लेते हैं। अच्छा ऑर्डर करने का प्रोसेस, आपका पेज का कोई नाम वगैरह सब बताइएगा। मेरा पेज एडिबल आर्ट बाय सबा मसूद, एडिबल आर्ट बाय सबा मसूद जी। और इंस्टा पे आपको सारा मिल जाएगा, नंबर भी है उस पे, सब कुछ है, तो उस पे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा कोई टाइम रिक्वायरमेंट है आपके, कितने दिन पहले आपको ऑर्डर प्री ऑर्डर करना पड़ता है? जैसे बल्क में ऑर्डर होता है तो उसके लिए कम से कम 15 डेज, और वैसे अगर मिनिमम जैसे अगर 25 or 20 बॉक्सेस हैं इस तरह से तो फिर ये होता है कि 1 वीक हो जाता है। अच्छा रिस्पॉन्स बताइएगा, आप ऑनलाइन काम कर रही हैं, आपको ऑनलाइन काम में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। इन द सिटी है या आउट ऑफ सिटी भी है? आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मगर प्रॉब्लम है कि मैं डिलीवर करने का मसला है। तो ऑनलाइन डिलीवरी वैसे कराची में आपकी है? सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी? जी जी सीओडी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपका आपकी चीजें बहुत क्यूट है, थैंक यू सो मच, आपको कामयाब कीजिएगा जरूर। थैंक यू, हमें प्यार भरा टोकन मिला उनकी तरफ से, थैंक यू जी, जरूर मैं जरूर ट्राई करूंगी, आपके पेज पे फीडबैक भी जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ तड़केबाज, पहले मैं इसको समझी फरकेबाज, पता नहीं मैं क्यों समझी, मुझे नहीं पता। मैं पूछती हूँ मैम से कि ये लोग कोई होम बेस्ड है, मैंने असल में फोकस किया है यहाँ पर आके ब्रांड्स को कवर नहीं किया, मैं ज्यादातर सब होम बेस्ड के पास गई हूँ, मैं उनको प्रमोट करने आई थी, मैं ब्रांड्स को प्रमोट ऑलरेडी है, तो आप मुझे अस्सलाम वालेकुम, इतनी बात करने के बाद सलाम भी करना है। तो आप मुझे बताइए आपका क्या चीज आप सेल करते हैं और आप किस चीज में स्पेशल, आपकी क्या चीज है? अच्छा सो वी आर एक्चुअली होम शेफ्स, इट्स रन बाय मी एंड माय मदर इन लॉ बोथ। अच्छा मदर इन लॉ के साथ, ये केमिस्ट्री बहुत, यार देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मदर इन लॉ नहीं, मदर के साथ करी बस, माय सेकंड मदर, जहाँ ये केमिस्ट्री होती है ना वहाँ बहुत जबरदस्त। एग्जैक्टली, तो वो क्या कि हम लोगों की स्पेशलिटी वैसे जो है खौसा है, चिकन एंड बीफ बोथ। मैं पंजाबी हूँ, मेरी मदर इन लॉ मेमन है और मेरी लव मैरिज हुई भी है, और ये मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, लव मैरिज वाले हो। हम लोग को एक साल हो गया, हम बिल्कुल अभी जैसे होम बेस्ड हैं कि जैसे छोटे छोटे इवेंट्स लेते हैं 50-100 पीपल, होम बेस्ड केटरिंग ओनली, केटरिंग ओनली बल्क में जो होती है, बल्क में लेना है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं रेस्टोरेंट ओपन करूंगी, यस। नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं रेस्टोरेंट ही खोलूंगी अब इंशाल्लाह, आमीन, बस ऐसा होना चाहिए, आमीन आमीन। आप डायरेक्ट जाए, एग्जैक्टली रेस्टोरेंट का, असल में फूड बीट का को यहाँ पर मुझे आने का मकसद ही ये था कि जस्ट टू हैव दैट यू नो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि क्या होता है। हाँ फर्स्ट टाइम है मेरा, एग्जैक्टली इंशाल्लाह
जरूर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन आमीन आमीन। बहुत खुश हुई मुझे अल्लाह नहीं मेरी खाला है मदर इन लॉ घर पर है वो पका रही है आमीन आमीन थैंक यू सो मच। आपका पेज का पेज है यस फेसबुक पे भी है इंस्टा पे भी है तड़केबाज के नाम से यस थैंक यू। इस वक्त हम फिर से एक और होम बेस्ड स्टॉल पे खड़े थे क्योंकि मैंने पूरे इवेंट से होम बेस्ड को कवर किया है तो बॉर्न गेस्टो बोस्टो बॉर्न बोस्टो आज मैंने इटालियन सीख लिया इसका मतलब है गुड टेस्ट देखा मुझे आती थी मैंने पूछा थोड़ी टाइम से पहले ये लोग भी होम बेस्ड हैं इसे थोड़ी सी इनके डिस्क्राइब करते हैं कि अपने बारे में क्या है। अच्छा मुझे अस्सलाम वालेकुम सर ये बताएं कि आपके पास क्या होता है। हमारे पास बेसिकली इटालियन और चाइनीज क्यूजीन है फ्यूजन है हमारा जिसमें पाकिस्तानी एक अरोमा डाला गया है सही है। तो हमारे भाई ने ये छोटे ये खुदी शेफ हैं ये पैशन है इनका तो कोविड के बाद से हमने स्टार्ट किया था ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बीच लग्जरी में हमने किया था उसके बाद हमने ईमार पे किया इवेंट उसके बाद देन ऑन डिमांड हम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह डिमांड पे आए भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे। अच्छा आपका कोई पेज वगैरह कुछ है? बॉर्न गुस्टो के नाम से ही पेज है हमारा बॉर्न गुस्टो गुस्टो यस बॉर्न गुस्टो के नाम का पेज है इनका इंस्टा पे भी फेसबुक पे भी वहां पे सारे कॉन्टेक्ट मिलेंगे हमें सब मिल जाएगा। अच्छा आप लोग बल्क पे काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर बल्क में भी काम करते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह मैनेज करते हैं और इसके अलावा जो है बर्थडे पार्टीज वगैरह होती है इवेंट्स वगैरह छोटे मोटे भी इवेंट्स आप लोग कवर कर लेते हैं वीकेंड्स पे और डेली बेसिस पे हमारा फूड पांडा पे हम रजिस्टर्ड हैं वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि डेली बेसिस पे भी काम करते हैं ऑर्डर करते हैं पैक ऑफ स्पेगेटीज ये सब ऑर्डर आप प्लेस करते हैं उसके नंबर अलग है या सेम नंबर सेम नंबर है सही है फूड पांडा पे भी आप इसी नाम से थैंक यू सर आपका थोड़ा सा टाइम हमें रिक्वायर्ड था आपने दिया थैंक यू बहुत शुक्रिया। ईट फूड फेस्टिवल में और कुछ खाओ नहीं ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना तो हम यहाँ पे कौन में गई थी ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे जिनका हमने व्लॉग किया था उधर से वो मोहतरमा में मिल गई थी तो हमने उनका व्लॉग तो नहीं किया बट उनसे मैंने उनका मोस्ट फेवरेट मेरा बलोची तिक्का लिया है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे बहुत तक गई बहुत बड़ा इवेंट है बहुत बड़ा फेस्टिवल है तो आप लोगों को अभी कल का और परसों का दिन बाकी है 7th और 8th of January बाकी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं मज़ा आया एंजॉय किया बहुत सारे होम बेस भी यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग तो एंड हो गया एंड तो बस अब हम लोग घर जा रहे हैं थक हार के इस हालत में आप लोगों को हमें उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए जिससे भी अपनी प्रमोशनल वीडियोज़ करवानी है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे तो जाके देखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।